तो आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। आज हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे, ताकि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का रिवीजन कर पाएं। चलिए तो बढ़ते हैं, हम लोग बिना समय गवाए करते हैं स्टार्ट। कहता है 10a का मान बताना है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जानते हैं 10² a बराबर होता है 1 सेकेंड sec² a माइनस 1, सॉरी ये 30 सेकेंड, ऐसे देखिए ठीक से इसको लिखते हैं। ऐसा होता है sec² a माइनस 1 बराबर 10² a, यानी ये स्क्वायर को इधर लेते आए तो क्या हो जाएगा, sec² a माइनस 1 बराबर 10a, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि दो वृत्तों का व्यास 9 cm और 7 cm है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो देखिए R1 कितना हो जाएगा 9/2 और R2 कितना हो जाएगा 7/2। अब क्या पूछ रहा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी π R1 का स्क्वायर बटे π R2 का स्क्वायर। ये कैंसिल, R1 का मान 9/2 का स्क्वायर और R2 का मान 7/2 का स्क्वायर, तो 9 81/4 और 49/4 कट गया, कितना हुआ 81/49, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, तो 100 इसको हल करने के बाद 11 आता है, ये क्या है, परिमेय है। बाकी आप तीनों को हल कीजिएगा तो वो क्या होगा, अपरिमेय आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है 5, 15 और 20 का लॉसो और मोसो का अनुपात होगा, लॉसो और मोसो का अनुपात होगा, तो काफी आसान है। इसका लॉसो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं हम लोग मोसो और लोएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं मोसो। यानी 5, 15 और 20 में देखिए 5 से 3 में विभाजित है, तो मोसो कितना हो गया 5, मोसो कितना हो गया 5, जबकि लॉसो क्या हो जाएगा, लॉसो होता है वह न्यूनतम संख्या जिसमें तीनों से भाग लग जाए, तो 60 में देखिए क्या होता है, तीनों से भाग लग जाता है, कितना 60 से 3 में, तो लॉसो इसका 60, मोसो कितना 5, तो 5 सॉरी तो ये कह रहा है लॉसो बटे मोसो, यानी 60/5 12/1, यानी 12:1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक त्रिभुज एबीसी में कौन ए बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर 13 सेमी और एबी बराबर 12, तो एसी का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधा बात है एसी स्क्वायर बराबर होता है, या सीधा हम लोग एसी बराबर लिखते हैं अंडर रूट बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, ये तो आसान है आप लोग भी कर सकते हैं, 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो कितना 13 से 169 और 12 से 144। लेकिन यहाँ कुछ और पूछा जा रहा है, देखिए इसको ऐसे हम लोग थोड़ा सा फिगर से बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए फिगर ही देखते हैं, ये हमारा कौन ए हो गया, ये बी और ये सी। ए बी हमको पता है 12 और बी सी हमको पता है 13, तो हमको ए सी निकालना है ना, तो 13 का स्क्वायर घटाओ 12 का स्क्वायर पे अंडर रूट 169 माइनस 144, तो कितना हो जाएगा √25, यानी कि 5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा इरेज कर देते हैं सबको। चलिए किसी वृत्त की परिधि 462 सेमी है तो इसकी त्रिज्या होगी, देखिए वृत्त की परिधि 2π R = 462, तो R बराबर क्या हो जाएगा 462/2 × π, और इसको हल कीजिएगा तो 462/2 × 22/7, अच्छा ये उलट के चला जाएगा किधर, 462/2 × 22/7, तो 22 × 44 2 4 हो जाएगा 22 × 44, अच्छा 2 22 एक बार में, अच्छा 27 21 गुना
सात, तो 7 दूना 147/2 कीजिएगा तो 7 दूना 14 और 3 दूना 6 यानी 73.5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, आप लोग भी फटाफट आंसर का जवाब देते जाइए ताकि आपको ये पता चले कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, कहता है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्य, ये तो काफी आसान है, आप लोग भी बना सकते हैं। देखिए इसे x² + 3x + 2 = 0, इसको हम लोग हल करते हैं x² - सॉरी +2x + x + 2 = 0। यहाँ x कॉमन कीजिए तो x + 2 और यहाँ +1 कॉमन कीजिए तो x + 2 = 0। चलिए तो x + 1 × x + 2 = 0, तो x + 1 = 0 और x + 2 = 0, तो x = कितना 1 - 1 और x = -2, तो -1 - 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन का क्या होगा हमारा आंसर देखते हैं, मिटा लिए थोड़ा सा ताकि जगह मिल जाए। कहता है बहुलक, तो सबसे ज्यादा टाइम कौन आया, देखिए 3 जो है कि वो सबसे ज्यादा टाइम आया है 4 बार, और तो कोई नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है sec 30 का मान, पहले हमको cos 30 का मान निकालना है √3/2 और उसको उल्टा देना है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले की तरफ, कहता है दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार हो, समान अमाप हो, दोनों हो, इनमें से कोई नहीं। क्या बोला, दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उनके क्या हो, सर्वांगसम के लिए क्या है, आकार समान हो या समान अमाप साइज के हो, दोनों एक साइज के हो, तो इसमें इसके साथ भी और लिखना था, यहां हम दोनों मार देंगे तो चलेगा। चलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखते हैं कौन सा नहीं है, तो यहां इसको हम लोग कटाते हैं 3 से कितना बार में, 25 बार में, और ये 3 से 16 बार में, तो ये 16 और 25 पे रूट हो गया यानी 5/4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहता है √3 और √5 है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, बहुत ही आसान है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो देखिए हम बताए थे ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, बस नीचे वाले में देखना है कि हमें किस में हमको 2 और 5 आता है, तो 160 का खंडन करके देखते हैं, तो 2 से 80, 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, ठीक 2 से 5, तो देखिए इसमें 2 पे पावर कितना, 1, 2, 3, 4, 5 अगुना 5 पे पावर 1, यानी इसमें ये फॉर्मूला लागू हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आप लोग इसको भी चेक करके देखिएगा कि 2 और 5 नहीं आएगा, 2, 5 के अलावा भी कुछ आएगा या फिर 2, 5 में से कोई एक नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है कैसी संख्या है 2.12112 इस तरह से करके, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है √3/√12 है, √3/√12 है, क्या है बताना है, तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग पहले करके, डायरेक्ट आंसर नहीं करेंगे, पहले इसको हल करते हैं, 12 को देखिए करेंगे तो क्या होगा, 2 से 6, 2 से 3, अच्छा चलिए ये तो नहीं होगा, √3 इसको लिखेंगे 2√3, ये कट गया तो कितना 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य होंगे, यहाँ देखिए x² - 3 = 0, तो x² = कितना 3, तो x = ±√3, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि सी नंबर जो है वो ऑप्शन जो है कि वो शून्य सॉरी बहुपद नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, यानी जिसपे पावर 1 हो उसको रेखीय बहुपद कहते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है 1, इसलिए क्या होगा, रेखीय बहुपद होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है
कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना हो तो 1/α + 1/β का मान, ये कई बार पूछा गया, हम कई बार अपने वीडियो में बताए हैं, आप लोग को ये आदत पड़ गई होगी। देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो -b/a और ये c/a, ए कैंसिल तो -b/c। तो चलिए देखते हैं -b/c, तो b का मान बताइए यहाँ क्या है, यहाँ से देखते हैं b का मान कितना है यहाँ, 1, और सी का भी मान 1, तो मतलब एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दूसरा बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ए का मान जिसके लिए समीकरण का निकाय ax - y = 2, 6x - 2y = 0 का एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। चलिए देखते हैं इसका कैसे होगा भाई। अद्वितीय हल होगा, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax - y = 2, 6x - 2y = 0 का एक अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ देखिए a/6 = यहाँ -1/-2, अद्वितीय हल होने का मतलब ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। तो -2a = नहीं है -6 का, माइनस माइनस कैंसिल, a = क्या नहीं है, 6/2 यानी कि 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी a = नहीं हो 3। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा। कहता है ए के मान जिसके लिए समीकरण का निकाय क्या हो, अनगिनत रूप से अनेक हल हो। हम आपको बता देते हैं, आप हल कीजिएगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये फॉर्मूला पुट करना और जैसे हम ऊपर वाला बताए वैसे ही आपको बनाना है। फिर देखिए 22 नंबर सवाल में क्या कहता है, 22 हम बता देते हैं। कहता है समीकरण का निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ x के साथ कितना गुना है, 1, तो 1। यहाँ x के साथ कितना गुना है, 5, तो 5 बराबर क्या है, अनगिनत हल होंगे, तो तीनों बराबर होगा। यहाँ y का मान कितना, 2। अच्छा यहाँ y का मान कितना, k। अच्छा यहाँ कितना, इसको अंदर लाइएगा तो -3, और इसको अंदर लाइएगा तो -15। ये और ये कट गया, किसी एक को ले सकते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं इसी को। तो देखिए k·1 तो क्या हो गया, k क्या हो गया, k। अच्छा बराबर 5 × 10, तो k बराबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10। चाहे जहां से भी बनाइए वही बनेगा आपको, ये माइनस माइनस कटा हुआ है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो तो वह बिंदु दोनों समीकरण का हल है, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। कहता है निम्नलिखित में कौन समीकरण x+2 × 3x - 1 = 0 का हल समुच्चय है। तो देखिए x+2 = 0 और 3x - 1 = 0, तो ये क्या हो जाएगा, x - 2 और यहाँ 3x = 1, यानी x = 1/3, -2 और 1/3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x²-5 = 0 के मूल होंगे। तो ये देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x²-5, यानी x बराबर क्या, +-5। तो ये दोनों क्या है बताओ, बताइए, तो ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो क्या होगा भाई, मूल वास्तविक और समान हो तो b² - 4ac = 0, यानी b² = क्या, 4ac, यानी b बराबर क्या होगा, हम कह सकते हैं तो एक सेकेंड, द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे, यदि b² = क्या हो, 4ac हो, या फिर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि ऑप्शन में कुछ लूप होल छोड़ा है या फिर सवाल में सवाल थोड़ा सा अधूरा है, इसमें और भी कुछ पूछना चाहिए था, समान होगा या क्या होगा ऐसा पूछना चाहिए था, तो यहाँ शायद थोड़ा सा इसको ऑप्शन में गलत है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c के बराबर 0 के मूल बराबर हो तो, देखिए यहाँ ये सवाल क्लियर है, तो b² - क्या हो जाएगा, 4ac, b² - 4ac। चलिए यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 तो b² < 4ac हो तो क्या होगा, देखिए b² जो है वो छोटा हो रहा है 4ac, तो क्या हो जाएगा,
क्या बोलते हैं, वास्तविक ही नहीं होगा। क्या होगा? वास्तविक ही नहीं होगा। क्यों? तो ये माइनस में आ जाएगा, जिससे कि वास्तविक नहीं होगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए कि संख्या 10, 7, 14 का तीसवां पद है। 10, 7, 14 का तीसवां पद है। तो यहाँ देखिए ए बराबर कितना है, ए बराबर 10 है। अच्छा, डी बराबर कितना है, यहाँ देखिए घटाइएगा तो कितना आएगा, -3। अच्छा, ए एन हमको ज्ञात करना है, तो ए प्लस तीसवां पद निकालना है। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा एन हमको दिया हुआ है 30, तो ए एन बराबर हम लोग जानते हैं, या ए 30 बराबर क्या जानेंगे, ए प्लस 29 डी। ए का मान 10 प्लस 29 गुना डी का मान -3, तो 10 माइनस कितना 29, 81 घटाइएगा तो -71, सॉरी 29, 9, 27 होगा, तो ये 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -77, यानी ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर में देखते हैं, सेम उसी तरह का सवाल है 30 नंबर भी। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि परीक्षा एग्ज़ाम के बाद आप आईटीआई, पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंट्रेंस का तैयारी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ ए बराबर क्या है, देखिए ए बराबर 3 है, -3 है। डी बराबर कितना है, -1/2 में घटाइएगा -3 को, तो ये +3 हो जाएगा, तो -1/2 और +3, तो लघुत्तम लीजिएगा तो 2 -1 + 6, तो 5/2 हो गया। डी कितना मिला हमको, 5/2। तो ए 10 बराबर हम लोग जानते हैं, ए +9 डी। ए का मान कितना है हमारे पास, -3 + 9 गुना 5/2, तो -3 + 9 = 45/2। इसके नीचे नहीं तो कुछ एक लघुत्तम हम लोग 2 ले लिए, तो -6 + 45, तो ये कितना हो गया, 39/2। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ है नहीं, इसका मतलब हम लोग कहीं गड़बड़ किए हैं। देखते हैं क्या है, फिर से एक बार सवाल में कहीं कुछ छूटा हुआ है, देखते हैं। थोड़ा इरेज करना ही इसमें हो जाता है, एक साथ नहीं मिटता है। बस बस, गिव मी सम सेकेंड, एक सेकेंड, बस हो गया है, थोड़ा सा मिटाना है। और चलिए देखिए क्या है, ए हमारे पास कहता है दसवां पद, ए हमारे पास -3, डी कितना है, -1/2 में घटाएंगे 3 को, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये कितना घटाने के बाद हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसके नीचे नहीं कुछ एक लघुत्तम 2 -1 + 1 से भाग देंगे 2 में, तो 2, 3 × 6 यानी 5/2 हो जाएगा। कितना, 5/2। ए 10 हमको ज्ञात करना है, तो ए प्लस 9 डी। ए का मान कितना है, -3 + 9 गुना डी का मान कितना, 5/2, तो -3 + 9 = 45/2। इसके नीचे नहीं कुछ एक लघुत्तम 2 हुआ, और 2 1 से भाग देंगे 2 में, तो 2 - 6 + 45 यानी 39/2। तो ये यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन इस तरह का कोई नहीं है, इसका मतलब इसमें ऑप्शन गलत लिखा है। तो ये थे आज के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको इसमें कोई भी डाउटफुल लगे या कुछ भी आपको कमेंट में पूछना हो, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, ताकि हमें भी पता चले कि बच्चों में क्या चीज़ की ज़रूरत है, हम उस तरह से वीडियो बना के लेके आए। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द ही हम इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर उपस्थित होंगे।